योगी सरकार में हिंदुओं के वैश्य समाज के लोग पीड़ित होकर इसलिए धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हैं कि उन्हें पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इसलिए निकट भविष्य के संकट को देखते हुए जिला बहराइच के मिहपुरवा तहसील के सैकड़ों लोगों में गहरी नाराजगी स्थानीय तहसीलदार और अधिकारियों से है। वैश्य समाज के लोगों ने तहसील तक जुलूस निकाल कर अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया और धमकी दी कि अगर 23 मार्च तक उन्हें पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उनके परिवार समेत लगभग 5000 लोग धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर होंगे। वैश्य समाज की इस धमकी के बाद जिला प्रशासन जागा है और एडीएम को नोडल अफसर बनाकर इसकी कार्रवाई शुरू की गई है। अब देखना ये होगा कि तयशुदा तारीख पर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो वो घोषित कार्यक्रम पर क्या निर्णय लेते हैं। आज कांग्रेस जाति को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जिस तरह की बातें की गई और जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना करने की बात कही उसका मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि जिन जिन के द्वारा इस तरह की बातें की गई उनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसे कि यथा 13 संसद मंत्री 13 अधिकारी, या यदि हम ये मान लें कि ये दोनों अभिलेख हमारे अभिलेखागार में मौजूद नहीं है, वैसे ऐसा नहीं है कि ये मौजूद ना हो, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये दो कागज़ हैं जो हमारे अभिलेखागार से ही प्राप्त कराए गए थे। ये देखिएगा, ये वाली जो ये है 13 संसद मंत्री का है और ये अभिलेख जो है 13 अधिकारी का है, क्योंकि इसी आधार पर जब कभी जाँच होती है कमेटी के द्वारा, जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा, ये एक जाँच है जो प्रयागपुर की है, वो उस टाइम पे कसौधन जाति का प्रमाण पर निर्गत हो गया था और ये देखिएगा 1343 के आधार पे इसको निरस्त कर दिया गया है। ये देखिएगा, क्योंकि 1343 के आधार पे उनको जाति जो है बक्काल पाई गई थी और कसौधन जाति का प्रमाण पत्र जारी हो गया था गलती से त्रुटिवश, तो जिला स्तरीय कमेटी ने निरस्त कर दिया गया है। इस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े, इसलिए सुविधा के लिए और सुसंगत अभिलेख पेश करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा जिस तरह बताया गया है कि उनको लिखा पढ़ी में जिला स्तरीय अभिलेखागार से ये प्राप्त कराया गया है कि जनसूचना के माध्यम से कि उन्हें वहाँ पे 1343 या 1343 प्राप्त नहीं कराई जा रही है या उपलब्ध नहीं है, तो उसके विकल्प के रूप में हम लोगों ने जो है 1990 जो मंडल कमीशन के पूर्व की कोई TC हो, उसके परिवार की TC हो या किसी की भी TC हो जिसमें उनको जाति संबंधी सूचना हो, जैसे कि एक बच्ची थी, ये देखिए उन्होंने अपने चाचा की TC पेश करी, उसमें देखिएगा यहाँ पर 1973 डेट ऑफ बर्थ है उनके चाचा की और यहाँ गांधू जाति लिखा हुआ है, तो इसके आधार पर हम लोगों ने जो है विधिवत देखा कि हाँ कोई प्रभावित ना हो, लेकिन हम लोग क्योंकि माननीय हाईकोर्ट जो अन्य वर्ग के OBC वर्ग के अन्य लाभार्थी हैं इससे छूट ना हो जाए, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को OBC में शामिल करेंगे, अगर हमारे पास समुचित अभिलेख नहीं होंगे तो माननीय हाईकोर्ट में जाकर के अगर कोई रिट डालता है तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। और देखिए ये जो है, क्योंकि ये कांगू हैं, इनके परिभाषा की नकल के आधार पर ये देखिएगा, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिएगा, ये राम प्रकाश जी हैं, इनकी भतीजी का नाम गौली है और इसी आधार पर हमने इनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। ये देखिएगा क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले एक वर्ष से लगभग हम दो बार लड़ाइयाँ लड़े, पिछले तहसीलदार ने भी हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने से मना किया था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उन्होंने आदेश दिया था कि हम 15 जनवरी को आदेश हो गया था, बनने लगा था, जब से ये आए हैं तो कहते हैं उसने गलत किया था, मैं उसकी बात को नहीं मानता हूँ और आप लोग जो है 1353 खसरा लाइए जो यहाँ के अभिलेखागार में है नहीं, अब हम लोग कहाँ जाएँ, अभिलेखागार तो हम लोग जा चुके हो, यहाँ से मना हो जाता है तो आखिर में यहाँ की पब्लिक कहाँ चली जाए। हम लोगों ने कई बार 10-10 अपने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है, ये पिछले एक महीने दो महीने से हम लोग लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन भेज रहे हैं और ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ भी हम लोग पिछले तहसील दिवस में भी DM साहब को दिए थे, DM साहब ने आदेश भी किया था कि बनाइए पुराना देख करके, मगर ये कहते हैं DM क्या होता है, जो कुछ हूँ मैं हूँ। 1965 का TC में जो है कि कहे और उसके बाद नहीं बने, निर्णय हम लोगों का यही कि 23 तारीख तक का अंतिम अल्टीमेटम है और अगर जो ये हम लोगों का जाति प्रमाण जारी नहीं करेंगे 24 को मेरा पूरा समाज दल बल बच्चों सहित पूरे परिवार सहित हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय को ज्वाइन करेंगे। अभी आप कहाँ आए हुए हैं,
मैं तहसील परिसर में आया हूँ SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए। क्या वजह है आप लोग धर्म परिवर्तन करने की बात? हम लोगों को कांदू समाज का ये मौजूदा तहसीलदार जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं, और जब हम लोग अप्लीकेशन लेकर आते हैं तो कहते हैं यहाँ बकाल क्या होता है, इसी के जब हम लोग वहाँ गिने नहीं जाते हैं तो इससे अच्छा है कि धर्म परिवर्तन करके अल्पसंख्यक में चले जाएँ, जिसके लिए 24 तारीख को हम लोगों ने निर्धारित किया है। 24 तारीख को पूरे बच्चों और परिवार सहित आएंगे, महिलाएं भी होंगी और सब यही तहसील प्रांगण में ही धर्म परिवर्तन के लिए। जात सूचक गालियां देते हैं, हाँ कहते हैं बनिया बकाल, बनिया बकाल क्या होता है? और क्या वजह है? अब वो 1300 कौन सा 1367 वाली फसली मांगते हैं, और जो पूर्ववर्ती तहसीलदारों ने जारी किया है प्रमाण पत्र उसको नहीं मानते हैं। जबकि हम लोग कहते हैं जब उन लोगों ने जारी किया तो उसी आधार पर हमारे दूसरे बच्चे का जारी किया। हम लोग हमारे समाज का लगभग विगत 6 वर्षों से यहाँ के तहसीलदार महोदय जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों के एडमिशन पे या कोई बच्चा अगर हमारा उस लायक है कि वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सके तो वो प्रयास कर रहा है, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र ये जारी नहीं कर रहे, इसलिए उसको बाधाएँ तमाम आ रही हैं, उसका भविष्य खराब हो रहा है। प्रमाण पत्र के लिए हमारे समाज के कुछ लोग बहराइच भी गए, लेकिन हम यहाँ बहराइच के मालखाने में 1971 में आग लगा दिया गया था, वहाँ से ये जवाब मिलता है कि यहाँ पे 1359 फसली खसरा है ही नहीं, वहाँ उपलब्ध नहीं है, यहाँ ये उस हमारा काम उसके बगैर ये कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इसलिए मजबूर होकर के हम लोग कुछ दिनों, अभी हमारे कुछ लोगों ने बताया है, उसके बाद हम लोग धर्म परिवर्तन करके कुछ अन्य धर्म में चले जाएंगे, क्योंकि इस धर्म में हम लोग का कोई गुजारा नहीं है। जबकि हम लोग वैश्य समाज से हैं, हमारे पूर्वज जनसंघ से लेकर भाजपा को आँख कान बंद करके वोट देते आए हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी, सरकार के अधिकारी हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। योगी जी की सरकार है, क्या आपको योगी पे पूरा भरोसा है? योगी जी पे पूरा भरोसा है, लेकिन योगी जी ऐसे तहसीलदारों को क्यों बैठाए हुए हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं उनके खिलाफ वहाँ लिख के देते हैं? जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने संपर्क किया है, ये मेरा जात प्रमाण पत्र है, अगर इसको आधार के बना करके मैं एप्लीकेंट बनता हूँ तो क्या इसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट नहीं लगा सकते हैं कि विगत में ये बनाया गया है इसलिए इनका बनाया जाए? ये केवल परेशान किया जा रहा है, जात सूचक अपशब्द कह रहे हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों का भविष्य ये गर्त में डाल रहे हैं, ये पूरी ये उनको क्या इंटेंशन है ये मैं भी नहीं जानता। क्या इससे पहले प्रमाण पत्र बनाए गए हैं? जी बनाया गया है, ये है जनवरी में बनाए गए हैं सर, और मेरे समाज के लगभग लोगों के पास है और इस आधार पर रिपोर्ट लगाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। उसी आधार पर मैं प्रधान 1359 बनिया समाज कृषक नहीं होता है, 1359 वही प्रस्तुत कर सकता है जिसके पूर्वज कृषक रहे होंगे, बनिया समाज दुकानदारी करता है, वो मकान में अपने रहता है। 1359 का जो आप यदि संवैधानिक रूप से उसकी आपके महत्व समझते होंगे तो वो कृषक ही उसको दे सकता है, हमारा समाज 95% कृषि विहीन है।